ये देखिए दोस्तों, पतीले में बेक किया हुआ बिना अंडे का कपकेक। आप देख ही सकते हो ये कितना फूला है। इतना ही नहीं, ये सारे साइड से परफेक्टली बेक हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी है ये। इस कपकेक की रेसिपी इतनी आसान है कि मुझे यकीन है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इसे ज़रूर बनाओगे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। केक का बैटर बनाने से पहले यहाँ पर मैंने एक भगोने को गैस पर प्रीहीट करने के लिए रखा है। इसमें एक स्टैंड रख देना। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ना ही रेत और ना ही नमक। सिंपली एक स्टैंड रखा है, आपके पास जो भी स्टैंड अवेलेबल है वो यूज़ कर लेना। नहीं है तो किसी भी बड़ी सी प्लेट को पलट कर स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब स्टैंड पर मैंने ये एक प्लेट रखी है, इस पर हम केक को बेक करेंगे। चलिए अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। अब कपकेक बनाने के लिए मार्केट में इस तरीके के मोल्ड्स भी मिलते हैं, पर आज मैं आपको बिना मोल्ड्स के सिंपली स्टील की कटोरी में कपकेक बनाकर दिखाऊंगी, जो कि हर घर में होती है। अब मेरे पास ये कपकेक पेपर मोल्ड्स या पेपर लाइनर्स है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। पर ये नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, इनके बिना डायरेक्टली कटोरी में भी आप केक बना सकते हो। मैं ये बस इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनसे दिखने में केक बहुत सुंदर लगता है। तो दोनों पेपर मोल्ड्स को मैंने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। दो केक हम डायरेक्टली कटोरी में बनाएंगे, तो कटोरी को भी मैंने अच्छे से तेल लगाया है। अब केक का बैटर बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में ये आधा कप फ्रेश गाढ़ा दही डाल देना। ये देखिए, ये आधा कप का मेजरमेंट है, 125 ml का कप है ये। वेट से मेजर करो तो ये 130 ग्राम दही है। अब इसी कप से मेजर करके ये मैंने चीनी ली है, पिसी हुई चीनी है ये 90 ग्राम है। तो दही और चीनी दोनों को अच्छे से मिला देना। दोस्तों कोई भी केक बनाओ तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है परफेक्ट मेजरमेंट। इसीलिए मैं आपको सारे मेजरमेंट्स, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करके ही दिखाऊंगी। साथ में ही वेट भी बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपका भी केक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एकदम परफेक्ट बने। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। अब जब चीनी और दही अच्छे से मिल जाए और बैटर इस तरीके का स्मूथ बने, तब हम इसमें अपना नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट डालेंगे। तो ये 1/4 कप से थोड़ा सा कम बटर लिया है मैंने। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। ये टोटल 40 ग्राम बटर है, और वैसे देखा जाए तो ये 3 बड़े चम्मच है। चलिए अब इसे भी मिला देना बैटर के साथ। ये देखिए, और जब ये इस तरीके से अच्छे से मिल जाए, मैंने यहाँ पर ये 1/4 कप मतलब 3/4 कप, 4 में से 3 हिस्से मैदा लिया है। इसका वेट है 100 ग्राम। इसे हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, छान कर डालेंगे। तो एक छलनी में ये सारा मैदा डाल देना। अब यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच से कम मतलब 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर ली है, 1/4 कप मैदा के लिए 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, और ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। और अब इन सबको अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होता है ना, इसके अंदर की गुठलियाँ तो मिट जाती ही है, पर साथ में ही इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है, जिससे केक को फूलने में, स्पंजी बनने में हेल्प होती है। अब इन सबको धीरे धीरे से अच्छे से मिला देना। याद रखना आपने इसे फेंटना नहीं है, बस सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। और हाँ, अगर आपके पास विस्क है तो मेरी तरह विस्क का ही इस्तेमाल करें, इससे गुठलियाँ बहुत जल्दी मिट जाती है। बची हुई चीज़ें भी हम अभी डाल देते हैं, ताकि बाद में मिश्रण को फिर से मिलाना ना पड़े। तो लगभग 1/4 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डाल देना, और मैं इसमें डाल रही हूँ ये बहुत सारी टूटी फ्रूटी। अब थोड़ा सा इसको मिलाकर तुरंत मिश्रण को ग्रीस की हुई कटोरियों में, ग्रीस की हुई पेपर मोल्ड्स में डाल देंगे। अपना केक बहुत अच्छे से फूलने वाला है, तो कटोरी को ऊपर तक ना भरना, केक को फूलने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना।
मिश्रण को भरने के बाद इसे अच्छे से टैप करना ना भूलना और ऊपर से बहुत सारी टूटी फ्रूटी डालकर इन्हें प्री हीटेड पतीले में रख देना। अब ढक्कन लगाकर इसे हम 30 से 35 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बेक होने देंगे। बेकिंग का टाइमिंग, गैस की फ्लेम, पतीले की साइज, मटेरियल और कपकेक की साइज के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ये अपने कपकेक तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप कढ़ाई या कुकर में भी कपकेक बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना इसे 20 मिनट से पहले ना खोलना, नहीं तो केक फूलने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी हो सके तो कांच का ढक्कन लगाना ताकि इनका स्टेटस आपको पता चले और बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने लगभग 35 मिनट के बाद इसे खोला है और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और टूथपिक डालकर चेक करूँ तो ये देखिए, टूथपिक में ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। अगर आपको लगे ये थोड़ा भी चिपक रहा है तो ढककर आप इसे और 5-10 मिनट बेक कर लेना। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, घर में इजीली अवेलेबल चीज़ों से ही बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट और स्पंजी कपकेक हमने बनाया है, वो भी बिना अंडे का। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया।